जंगल घूमना भला किसे पसंद नहीं। अब ऐसे में अगर कोई जंगली जानवर दिख जाए तो मानो दिन ही बन जाए, मगर वही जंगली जानवर अगर आप पर हमला करने दौड़ पड़े तो जरा सोचिए क्या हाल होगा। कुछ ऐसा ही हुआ छत्तीसगढ़ के नंदन वन में, जहां पर एक बाघ ने पर्यटकों की बस पर हमला कर दिया। बस में लटका पर्दा और इस पर्दे को मुंह में दबाने की कोशिश। इसी बीच में जब एक दूसरे बाघ ने भी ऐसा कुछ करने की सोची तो ये बाघ गुस्सा होकर उसकी ओर दौड़ पड़ा। लेकिन इसके कुछ ही देर बाद ये बाघ फिर इस पर्दे को पकड़ने की कोशिश में लग गया, लेकिन इस बीच ये पर्दा सड़क पर कुछ यूं घिसटने लगा। दरअसल ये पर्दा एक बस में अटका हुआ था और जैसे ही बस ड्राइवर ने बाघ को अपनी ओर आता देखा, उसने बस दौड़ाना शुरू कर दी। पर जो तस्वीरें सामने आई उसने हर किसी को हैरान कर दिया। आगे आगे बस और पीछे पीछे बाघ। इस दौरान बस में लोग रफ्तार तेज करने की बात भी कह रहे हैं। बाघ की दौड़ की ये तस्वीरें छत्तीसगढ़ के रायपुर की हैं, जहां नंदन वन में पर्यटकों को लेकर टाइगर सफारी पहुंची एक बस का सामना दो बाघों से हो गया। बस में बैठे किसी पर्यटक ने बस के अंदर से ये वीडियो बना लिया, जो तेजी से चर्चाओं में आ गया। गनीमत ये रही कि इस घटना में ना तो बाघ को कोई नुकसान पहुंचा और ना ही बस में बैठे किसी पर्यटक को। अभिनेता रणदीप हुड्डा ने भी ये वीडियो पोस्ट करके चिंता जताई और लिखा, रायपुर के सफारी पार्क के इस वीडियो को देखना दुखद है। विश्वास करने के लिए आप भी इसे देखिए। क्या सेंट्रल जू अथॉरिटी ट्विटर पर नहीं है? चिड़ियाघर में बाघ अक्सर इंसानों के लिए खतरनाक होते हैं और इस तरह की घटनाएं स्थिति और बदतर कर सकती हैं। इस घटना का वीडियो सामने आने के बाद जंगल सफारी प्रबंधन ने 3 कर्मचारियों को निलंबित कर दिया है, मगर इस घटना के बाद से सुरक्षा को लेकर कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। टीम न्यूज़ स्टेट।